अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको फ्लैशर एलईडीज विद BC547 और अर्डिनो किट के साथ बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके लिए हमें 6 एलईडीज रिक्वायर हैं। ये मैंने 2 कलर की एलईडीज ली हैं, एक वाइट की और एक येलो की। ये आप देख रहे हैं इसका प्लस और माइनस। इसी तरह हमें एक NPN ट्रांसिस्टर BC547 रिक्वायर है। इसी तरह हमें 2 कैपेसिटर 16 वोल्ट और 47 UF वो रिक्वायर हैं, और इसी तरह 2 रेजिस्टेंस 470 ओम और 4.7 के रिक्वायर हैं। एक PCB बोर्ड हमें रिक्वायर है जिसके ऊपर हम ये सर्किट डिज़ाइन करेंगे। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये हमने ट्रांसिस्टर यूज किए हैं BC547। अब हम इस सर्किट को बनाएंगे। ये अब हम LED इसके अंदर इंसर्ट करने लगे हैं। इस तरह हमने LED इसके अंदर लगा लेनी है। ये मैं 3-3 LEDs लगा रहा हूँ, 3 येलो 3 वाइट। ये बड़ा प्यारा फ्लैशर सर्किट बनेगा। पॉजिटिव जो है हम इसकी कनेक्ट कर देंगे और इसके लिए हमने 12 वोल्ट DC जो है वो सप्लाई ली है। ये देखें वाइट कलर की LED इसी तरह हम लगा रहे हैं। ये 3-3 हमने LEDs लगा लेनी है और हर LEDs के साथ इसी तरह हमने 470 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा देनी है, जो कि आगे हम इस सर्किट बोर्ड के अंदर लगा रहे हैं। ये देखें इस तरह हमने ये रेजिस्टेंस लगानी है। ये हमने रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा ली है। अब कैपेसिटर लगाएंगे 16 वोल्ट और 47 UF का। ये हमने 2 लगाने हैं। ये देखें इस तरह हमने लगाने हैं। इसका कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो हम इन रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह ये जो 2 ट्रांसिस्टर हमारे पास हैं BC547, ये भी हमने इसी तरह लगा लेने हैं। ये देखें ये हमने सर्किट बना लिया है और इसकी जो है डिज़ाइनिंग वो भी कर ली है। अब हम इसको 12 वोल्ट DC करंट जो है वो दे के देखेंगे। ये देखें ये फ्लैशिंग शुरू हो गई है। देखें कितना प्यारा ये व्यू नजर आ रहा है। ये जो तरीका है ये काफ़ी पुराना तरीका है। ये मैंने बहुत पहले सीखा था और आपके लिए डिज़ाइन किया है। इसी तरह ये Arduino किट अब हम यूज़ करेंगे, जो कि अब नया तरीका है। ये देखें ये हमारे पास Arduino UNO है।
इसमें हम ये जो कोड है इसका, जो कि बहुत ही इजी है, वो इंसर्ट करेंगे। पहले ये वेरीफाई होगा, फिर अपलोड हो जाएगा। इसमें मैंने 0.5 सेकंड का जो है वो डिले दिया है। इसी सर्किट को हम फ्लैशिंग के लिए यूज कर लेंगे। इसमें हमें बस ये 6 LEDs और 6 रेजिस्टेंस जो हैं वो रिक्वायर होंगी। ये देखें, ये जो हमने लगाई हुई है, और इसी तरह हमने पीछे से इसको सोल्डरिंग कर लेनी है। ये जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको ग्राउंड बोलते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉजिटिव का है। अब हम ये दो वायर्स लेंगे, जो कि 3 LEDs के लिए एक और 3 LEDs के लिए एक हम सोल्ड आउट कर देंगे। आर्डिनो से ये बनाना बहुत ही आसान है। अब इसी तरह हम जो ग्राउंड की केबल है उसको भी इसके साथ सोल्ड कर देंगे। ये देखें, ये हम सोल्ड कर रहे हैं। अच्छे तरीके से हमने सोल्ड कर लेना है, कहीं से भी ये ब्रेकेज ना हो, अदरवाइज ये जो वायर्स हैं ये प्रॉपरली LEDs को करंट नहीं देंगी। अब ये जो हमारे पास वायर्स हैं, हम प्रोग्रामिंग जैसे हमने की है 8 और 9 पिन, वो उधर हम ये लगा देंगे। ये हमारे पास आर्डिनो किट है, इसकी हम 8 नंबर और 9 नंबर जो पोर्ट है उसके अंदर ये वायर्स लगा देते हैं। और जो ब्लैक वायर है वो हम इसके जो ग्राउंड वाला सेक्शन है वहां पे इंसर्ट करेंगे। ये देखें, ये ग्राउंड केबल भी लगा दी है। कोड हमने पहले इसके अंदर इंसर्ट कर लिया है, अब इसको सिंपल हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर लें या 5 वोल्ट अडाप्टर के साथ। ये देखें, ये फ्लैशिंग जो है इसकी स्टार्ट हो गई है। आर्डिनो के साथ ये सर्किट बनाना जो है वो बहुत ही आसान है, और इस तरह आप घर बैठे इस तरह के और भी जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं LED के, वो आसानी से बना सकते हैं। और ये 5 सेकंड का 0.5 का डिले है जो के आपको नजर आ रहा है। ये देखें, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। शुक्रिया।